हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुशील कुमार, प्रगति कोचिंग सेंटर ओंकार वाटिका कॉलोनी पडरौना में आप सभी का स्वागत है। आइए क्लास अर्थ से रिलेटेड मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। हमारे यहाँ CBSE और ICSE से पढ़ने वाले इंग्लिश मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, UKG से लेकर क्लास अर्थ तक सभी सब्जेक्ट की कोचिंग दी जाती है। आप प्रगति कोचिंग सेंटर ओंकार वाटिका में आप आकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारा कांटेक्ट नंबर यहां पे लिखा हुआ है, इस पे आप कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन द फिगर क्वार्टर सर्कल इज गिवन हियर। क्वार्टर सर्कल यहाँ पर दिया, ये फुल, दिस इज फुल सर्कल। क्वार्टर सर्कल इज गिवन हियर। क्वार्टर सर्कल AOB इज ड्रॉन विथ रेडियस आर यूनिट्स। रेडियस इज गिवन हियर आर सेमी सर्कल आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी एंड डी विथ रेडियस आर अपॉन टू। रेडियस दिया हुआ है आर अपॉन टू। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया डार्क पोर्शन एंड शेडेड पोर्शन और डार्क पोर्शन का एरिया का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो में पूछ रहा है। तो इसको हम सबसे पहले, हमको ना तो डार्क पोर्शन का एरिया पता है ना ही शेडेड पोर्शन का एरिया पता है, तो दोनों को हम मान के चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे द एरिया ऑफ द डार्क पोर्शन बी एक्स मान लिया, एंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन बी वाई। इसका एरिया हमने मान लिया, इसका एरिया मान लिया। अब ये दिए हुए फिगर का एरिया, ये पूरे फिगर का एरिया, द गिवन फिगर क्वार्टर सर्कल दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लागू होगा पाई आर स्क्वेयर अपॉन फोर्थ पार्ट। अब एरिया ऑफ गिवन फिगर, इसके बाद से एरिया ऑफ वन सेमी पोर्शन का एरिया यहाँ पे होगा, ये आर अपॉन टू, ये रेडियस दिया हुआ है। द एरिया ऑफ वन सेमी पोर्शन इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर टू, नीचे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर अपॉन 8। तो एरिया ऑफ वन सेमी पोर्शन, सेकंड सेमी पोर्शन, थर्ड सेमी पोर्शन, तो दिस सेमी पोर्शन प्लस दिस सेमी पोर्शन इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर अपॉन 4। तो पाई आर स्क्वेयर अपॉन एट, पाई आर दिस सेमी पोर्शन एंड दिस सेमी पोर्शन इज इक्वल, तो पाई आर स्क्वेयर अपॉन एट, पाई आर स्क्वेयर अपॉन एट प्लस पाई आर स्क्वेयर अपॉन एट प्लस शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन प्लस वाई। नाउ एरिया ऑफ दिस पोर्शन इंक्लूडिंग एरिया ऑफ डार्क पोर्शन का एरिया इस एरिया में है, तो इसके एरिया को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमने माना है x को माइनस करेंगे, ये इक्वल हो गया गिवन एरिया, ये दिए हुए फिगर का एरिया पाई आर स्क्वेयर अपॉन 4। डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को सीधे ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर अपॉन 8 प्लस वाई माइनस
x इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर अपॉन 4। 2 पाई आर स्क्वेयर अपॉन 8 को इक्वल के राइट साइड में हम ले जाएंगे तो माइनस, ये माइनस हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर अपॉन 4 उतार लेंगे, ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वेयर अपॉन 8। 4 8 का एलसीएम हम निकालेंगे, 8 होगा 8, 4 8 का एलसीएम 8, 4 से एलसीएम 8 को हम डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, 2 पर 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2 पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर माइनस 8 1 जा 8 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर में से 2 पाई आर स्क्वेयर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, 0 अपॉन 8, 8 0 जा 0, तो यहाँ पे आ गया y माइनस एक्स इक्वल टू 0। माइनस एक्स को इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस x हो जाएगा, यानी y इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू y लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x जो है क्या है, ये डार्क एरिया का या डार्क पोर्शन का एरिया है और y जो है शेडेड पोर्शन का एरिया है, दोनों इक्वल हैं, यानी 1:1 हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि बोथ आर द एरिया ऑफ बोथ पोर्शन आर इक्वल, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप देख सकते हैं, उसमें वन डे कम्पटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंटरेंस एग्जामिनेशन से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और भी तमाम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।